अब देखिए बेटा, चार्ट में देखते हैं आपके पास, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहे हैं किस किस ऑर्गेनिज्म का परसेंटेज कितना कितना है। अब देखिए पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी है, ये बायोडायवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है, ये पूरे बेसिकली ये पैटर्न में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बायोडायवर्सिटी इफेक्टेड बाय टू फैक्टर, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। देखिए बेटा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, तो स्पीसीज डायवर्सिटी जो हमारी होती है डिक्रीज होती है एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। तो जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं हमारी स्पीसीज की डायवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं ट्रॉपिक्स में, जो कि यहाँ पे हमारे पास स्पीसीज क्या होती है मोर होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज में। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज बेसिकली हैव नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, व्हाइल न्यूयॉर्क हैज 105 स्पीसीज, ग्रीनलैंड हैज 56 स्पीसीज। इंडिया विद मच ऑफ द लैंड एरिया एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड। बेटा एमेजन रेन फॉरेस्ट, ये बेसिकली एक लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, जिसमें हमारे पास अर्थ की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें हमारे पास 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेज हैं, 1,300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं, मोर देन 1,25,000 के हैं आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो ये हमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स के पीछे में हमारे क्या क्या कंसेप्ट हैं, देखिए जो टेम्परेट रीजन है उसमें बेसिकली हैज अंडरगोन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट, इट किल्ड मोर स्पीसीज। ट्रॉपिकल एटीट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटेड अनडिस्टर्ब फॉर द, बेसिकली जो हमारे ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स हैं उनमें कोई ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है, तो वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके क्या और इंक्रीज होते चले गए, और उसमें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हमारी इंक्रीज होती चली गई। ट्रॉपिकल जो एनवायरनमेंट है वो लेस सीजनल होता है, उसमें ज्यादा सीजन नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। अब ट्रॉपिक्स में हमारे पास सोलर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपके पास स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन आता है कई बार कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा ट्रॉपिकल में क्यों है, क्योंकि वो कम से कम बहुत कम डिस्टर्ब हुए स्टार्टिंग से, और उनमें बेसिकली सीजन्स कम होते हैं। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन वाज अ ग्रेट वाज बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट, ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज डिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज एक्सप्लोर एरिया बट ओनली टू अ लिमिट। तो बेटा ऐसा है कि जो स्पीसीज होती है उसकी जो रिलेशनशिप है रिचनेस एरिया के साथ, जितना हम एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतनी हमारे पास स्पीसीज की रिचनेस क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। और जो स्पीसीज की जो रिचनेस है वो आपके बेसिकली नेचुरल रिसोर्सिस पे डिपेंड करती है, टू द नियर बाय एरिया। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो ग्राफ आता है वो स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में आता है। ठीक है, तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस का मतलब क्या, स्पीसीज रिचनेस होता है, सी का मतलब, सी आपका क्या है, ये आपके पास इट इज अ लॉग वाई इंटरसेप्ट है, ए एरिया, जेड स्टैंड फॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अच्छा, तो इसके बाद बेटा हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो क्या है, देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी के इकोसिस्टम को क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो स्टेबिलिटी, हमारे इकोसिस्टम स्टेबल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे इकोसिस्टम की जो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होगी, और जो आपके इकोसिस्टम की जो हेल्थ है वो भी क्या रहेगी, आपकी मेंटेन रहेगी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बेटा बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो सकता है, देखिए अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग प्लांट्स को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स की हैबिटेट सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो हमारे पास प्लांट एनिमल का जो नंबर है वो सारा खत्म होता जा रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली ट्रॉपिकल जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनमें कॉलोनीज, वो ह्यूमन की कॉलोनी के कारण वहाँ पे 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बेटा जो चीज़ खत्म हो जाती है ना, एंडेंजर्ड का मतलब जो खत्म होने वाली होती है। मोर देन 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग अ थ्रेट टू द एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड वाइड एट प्रेजेंट। 12%